वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। हम लगातार शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं ताकि जो कन्वर्सेशनल डिटेल वीडियो हैं उनको देखना आपके लिए आसान हो जाए। आप अगर एक पेन और नोटबुक लेकर इन तमाम जुमलों को लिखें तो आपके लिए बहुत ही कारामद होगा। आज हम पैसिव वॉइस के नेगेटिव वर्बल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के, एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव क्वेश्चन देखे थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, डू आई नॉट ब्रश माई टीथ, ये एक्टिव वॉइस का है। क्या मैं अपने दांतों को ब्रश नहीं करता हूँ? असल जुमला आई डू नॉट ब्रश माई टीथ था, जिसमें डू ऑलरेडी मौजूद था तो हमने डू को पहले लेके आया। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया कि इस तरह हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो डू और डस सोच समझ के लगाना पड़ता है। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चंस में ये आसानी होती कि हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख रख लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। पैसिव वॉइस में भी आसानी है कि माई टीथ आर नॉट ब्रश्ड का आर हमने शुरू में ले लिया, है ना। आई डू नॉट माई ब्रश माई टीथ का आर माई टीथ नॉट ब्रश्ड, ये पैसिव वॉइस था। और आर माई टीथ नॉट आई डू नॉट ब्रश माई टीथ का माई टीथ आर नॉट ब्रश्ड, ये इसका पैसिव वॉइस था। और माई टीथ आर नॉट ब्रश्ड में से हमने आर को शुरुआत में लिया तो हमारा जुमला बन गया आर माई टीथ नॉट ब्रश्ड। माई टीथ आर नॉट ब्रश्ड का आर पहले, आर माई टीथ नॉट ब्रश्ड, क्या मेरे ब्रश दांत ब्रश नहीं किए जाते हैं? डू डे डू नॉट ईट एप्पल, क्या वो सेब नहीं खाते हैं? आर एप्पल्स नॉट ईटन, क्या सेब नहीं खाए जाते हैं? डज ही नॉट कट टमेटोज, क्या वो टमाटर नहीं काटता है? आर टमाटोज नॉट कट, यानी क्या टमाटर काटे नहीं जाते हैं? डज ही नॉट कुक पोटेटोज, क्या वो आलू नहीं पकाती है? आर पोटेटोज नॉट कुक, यानी क्या आलू नहीं पकाए जाते हैं? डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? इस क्रिकेट नॉट प्लेट, क्या क्रिकेट नहीं खेली जाती है? दो उस्मान रसन नॉट वॉच टेलीविजन, नहीं क्या उस्मान रसन टेलीविजन नहीं देखते हैं? इस टेलीविजन नॉट वॉच, नहीं क्या टेलीविजन नहीं देखा जाता है? तो हमने इसमें एक एक वर्ड और एक पैसिव वॉइस जुमला लेकर आपके सामने सारे जुमले रखे हैं। ये जुमले न सिर्फ आपकी ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए कारामद है बल्कि कन्वर्सेशन के लिए बहुत कारामद है। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करने की, इस पर कमेंट करने की, इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब करने की और इस वीडियो को शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ में आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।